ओके दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बिल्कुल ही लेटेस्ट, बिल्कुल ही नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम जिस ट्रैक के ऊपर, जिस ओएसटी के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं, उस ट्रैक का नाम है रांझा रांझा कर दी। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको सेम बता दूं कि इसके डिस्क्रिप्शन में भी इसकी फीचरिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा कि कौन एक्टर इसमें फीचर करने वाले हैं, लेकिन मैंने इसके थंबनेल में देख लिया है, हमें इमरान अशरफ साहब और इकरा अजीज, अगर मैं नाम सही ले रहा हूं, तो उनकी फीचरिंग इसमें होने वाली है। ठीक है, दोनों को हम देख चुके हैं, बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। ठीक है, हम इस ट्रैक के क्रेडिट्स के बारे में बात करते हैं, ऑडियो क्रेडिट्स के बारे में। ठीक है, मैंने आपको ट्रैक का नाम बता दिया, रांझा रांझा कर दी। सिंगर हैं रहमा अली, मुकद्दरन और सानिया। ठीक है, उम्मीद करता हूं मैं ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूं। ठीक है, और कंपोज और लिरिक्स लिखे हैं सामी खान ने। ठीक है, तो इसमें भी आप कह सकते हो कि दोनों आर्टिस्ट नए हैं जिनके हम वोकल्स सुनने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ऐसे ही प्यार बनाए रखो, सपोर्ट बनाए रखो, कमेंट सेक्शन में ऐसे ही नए नए ट्रैक्स सजेस्ट करते रहो और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि जो भी वीडियो आए आप लोग उस वीडियो को देख पाओ विदाउट यूट्यूब की रिकमेंडेशन। अगर ना भी हो फिर भी आप लोग देख पाओ उन वीडियोस को, और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना ताकि आप सभी लोगों को पता चल सके कब कौन सी वीडियो आने वाली है, और आप लोग कुछ सवाल हो आप लोगों के मन में तो आप वहां पर आके पूछ सकते हो। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। इस ट्रैक को सुनते हैं और एंड पर हम इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। काफी डिफरेंट लग रहा है विजुअल से। खाली खाली अखियों में यादें भर आवे, खाली खाली अखियों में, खाली खाली अखियों में यादें। ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन यार। इंटरेस्टिंग विजुअल्स यार, इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है। बहुत ही डिफरेंट साउंड। ओके, तो बहुत ही आप कह सकते हो कम लेंथ का गाना था। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था, 4 मिनट तक का तो होना ही चाहिए था, लेकिन 2 मिनट 13 सेकंड में ये ट्रैक ख़त्म हो गया। लेकिन इतने टाइम में ही ना मुझे पता चल गया गाना किस लेवल का है। ठीक है, एक तो कॉम्बिनेशन, जो वोकल्स का कॉम्बिनेशन था स्टार्टिंग में, जिनके वोकल्स आए बहुत ही खतरनाक वोकल्स थे उनके, बहुत ही ऐसे ना स्ट्रांग वोकल्स, फिर सॉफ्ट वोकल्स आए उनके, तो एक बहुत ही बढ़िया मिक्सचर, एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन सामने आया। ठीक है, और पावरफुल म्यूजिक के साथ, तो एक अलग ही इम्पैक्ट था, एक अलग ही वाइब थी इस गाने की। ठीक है, क्वालिटी थी एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी थी। मुझे ट्रैक काफ़ी सही लगा, बहुत ही बढ़िया लगा। विजुअल्स के बारे में बात करूँ तो विजुअल्स बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लग रहे थे। ठीक है, चाहे वो इकरा की तरफ से हो या अशरफ साहब की तरफ से हो, तो दोनों के रोल, दोनों के कैरेक्टर का कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, लेकिन देखकर ऐसा लगा कि कुछ बहुत ही गहरी बातें छुपी हुई हैं स्टोरी में, और काफ़ी प्रॉमिसिंग लगी देख के। सारे शॉट्स जितने भी थे सब कुछ देखकर ऐसा लगा कि एक ज़बरदस्त स्टोरी होने वाली है इसकी, हो चुकी है इसकी। ठीक है, आप लोगों ने तो देखी होगी, थोड़ा सा अगर आप लोग चाहें तो आप लोग बता सकते हो कि ये जो इमरान अशरफ साहब इसमें, ये जो थोड़ा सा कह सकते हैं एबनॉर्मल जैसे ऐसे दिख रहे थे, तो ऐसा ड्रामा की स्टार्टिंग से ही थे या ड्रामा के बीच में ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, ज़रूर बताइएगा। ओके गाइस, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलता हूँ किसी और वीडियो में। बाय।